बिना ग्लूगन और बिना किसी महंगी चीज़ को यूज़ किए बिना आज मैं आपको बताऊंगा ये ब्यूटीफुल शो पीस। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हर्षित एंड वेलकम बैक टू क्राफ्ट ऑरा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ये ब्यूटीफुल और काफ़ी एक्सपेंसिव दिखने वाला ये शो पीस कैसे बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ घर के वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके। जी हाँ, मैंने इसको बिल्कुल वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाया है। तो इसको कैसे बनाना है इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मिलते हैं आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो डिज़ाइंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फेविकल मोल्डेड क्ले यूज़ किया है और कुछ चेस पीसेस लिए हैं मैंने यहाँ पे, और एक पेंसिल हमें चाहिए होगी इस तरह से, और एक मिट्टी का दिया हमें चाहिए होगा जो दिवाली में यूज़ होता है। और इस तरह से मैंने एक मेटालिक कलर और एक ब्राउन कलर ले लिया है, और मैं सुपर ग्लू ले रहा हूँ, आप किसी भी तरह का सुपर ग्लू ले सकते हैं। एक थोड़ा सा वायर चाहिए होगा हमें, और एक फ्लैट सरफेस लेंगे सबसे पहले, और इस पर हम थोड़ा सा बॉडी लोशन या कोई भी वैसलीन लगा के हम इसको सरफेस को थोड़ा सा चिकना करेंगे। अभी हमें एक वायर लेके उससे इस तरह से एम शेप बनानी है, और उसे प्लास की हेल्प से हमें इसे फोल्ड करना है। तो अभी एक दूसरा वायर लेके हम इसके सेंटर में लगाएंगे और पेपर टेप की हेल्प से इसको जोड़ लेंगे। तो ऐसा करने के बाद अभी हमें क्ले लेनी है, तो हमें क्ले की कॉयल्स बनानी है इस तरह से, और इन कॉयल्स को इसके डिज़ाइन के ऊपर लगाना है, और हमें इन वायर को इस कॉयल से कवर करना है। तो मैंने इस तरह से क्ले के कॉयल से कवर किया है, और अभी हमको इसी पे इसको रख के सूखने छोड़ना होगा। तो ये डिज़ाइन मैंने बना दिया है और मैंने सूखने छोड़ दिया है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चेस पीसेस ले लिए हैं और इनको मैं सेंटर से कट कर लूँगा इस तरह से। और अभी मैं इनको जोड़ के एक डमरू की शेप बना रहा हूँ, तो मैंने इसे क्ले से चिपका दिया है, और अभी मैंने क्ले इसके अंदर भर के मैंने इसको डमरू की शेप बना दी है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और अभी हम इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, तो ये ड्राई होने में अप्रॉक्स 45 मिनट लगता है। और तो एक दूसरी चेस की शेप लेके हम इसे ऊपर से काटेंगे, और इसमें सुपर ग्लू लगा के हम इसे दिए में लगाएंगे। तो दिए में लगाने के बाद अभी हमें एक पेंसिल लेनी है, और पेंसिल को अभी हम इस शेप के ऊपर फिट करेंगे। तो इस तरह से आप पेंसिल ले सकते हैं जो ऊपर से फ्लैट हो और ऊपर से और यूज़ भी हो तो चलेगा। और अभी हमें क्ले लगा के इसको थोड़ा मजबूती से फिक्स करना है इसमें, तो मैं पेंसिल के यहाँ पे मैं क्ले लगा रहा हूँ और अभी मैं इसको फिक्स कर दूँगा, तो ये मजबूती से इसमें फिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया है, और मैंने क्ले की कॉयल्स बना के इस पर कुछ डिज़ाइंस बनाए थे, और उन डिज़ाइंस पे हम टूल के हेल्प से इस तरह से जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो डिज़ाइन आप पे हैं, आप जैसे चाहें वैसे बनाएं। तो ये मैंने एक डिज़ाइन इसमें और ऐड किया था त्रिशूल में, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। तो और यहाँ पे मैंने कॉयल से एक शिवजी का नाग बनाया है, तो जो इस डिज़ाइन को और इन्हेंस कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बना लिया था। और अब ये डिज़ाइन सूख गया है हमारा। अभी इसके दूसरी साइड भी हमें वही काम करना है, क्ले की कॉइल्स बना के हमें दूसरे साइड भी इसको कवर करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कवर करेंगे। टूल की हेल्प से थोड़ी बहुत डिज़ाइंस मैंने बनाई थी, तो वही डिज़ाइन सेम इस तरफ भी हमें बनानी है। तो अभी इसको फिर से ड्राई होने के लिए हमें छोड़ना होगा, और ये नीचे का जो पार्ट है वो ड्राई हो चुका है पूरी तरह से। तो अभी बारी है त्रिशूल को फिक्स करने की, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लू लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ पे अभी एक क्ले की बॉल को फिक्स करेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं टूल की हेल्प से यहाँ पे एक क्रैटर बना रहा हूँ, गड्ढा बना रहा हूँ, जिसमें त्रिशूल फिक्स हो जाएगा ड्राई होने के बाद। तो ये त्रिशूल का टॉप बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और अब बारी है इसे फिक्स करने की। तो हम इसे जोड़ने के लिए सुपर ग्लू यूज़ करेंगे, आप किसी भी टाइप का सुपर ग्लू ले सकते हैं, फेविक्विक भी ले सकते हैं। तो हमें इस कैटर में इस तरह से अपने डिज़ाइन को चिपकाना है, और ये काफ़ी मजबूती से चिपक जाता है। और मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा मजबूती देने के लिए मैंने यहाँ पे एक
ऊन ले ली थी और ऊन को मैंने वहाँ पे रख के उसमें ग्लू लगा दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं इस चिपकाने के लिए। तो अभी मैं ब्रंट शियाना कलर लूँगा और इसे पूरा पेंट कर दूंगा ब्रंट शियाना से। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास कुछ मोती थे तो उससे मैंने इनके रुद्राक्ष बना दिए हैं यहाँ पे डमरू के पास में। और अब बारी है मेटालिक कलर लेने की, तो मैं यहाँ पे गोल्डन मेटालिक कलर थोड़ा सा ले रहा हूँ। और हम इस तरह से कोई चौड़ा ब्रश लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा कलर हम लेंगे, और हमें कलर ब्रश में ज़्यादा नहीं लेना है, और हमें इस तरह से रब करते हुए सारे डिज़ाइंस को हाईलाइट करना है। तो इस प्रोसीजर में जो भी डिज़ाइंस आपके उभरे हुए होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, और जो दबे हुए डिज़ाइंस हैं वो हाईलाइट नहीं होते हैं, तो जिनसे एक एंटिक इफेक्ट आ जाता है। तो ये मेटालिक इफेक्ट मैं दे रहा हूँ अपने डमरू डमरू और त्रिशूल में। इसी तरह से हम पूरे डिज़ाइन को हाईलाइट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और आपको ब्रश में कलर बहुत थोड़ा सा लेना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे डिज़ाइंस को हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब बारी है इसमें वार्निश करने की, तो मैं यहाँ पे वुड वार्निश ले रहा हूँ। वार्निश इसके कलर्स को और ज़्यादा ड्यूरेबल बनाएगा, और ये ज़रूरी है, इस पर आप अप्लाई करिएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है हमारा शिव जी का त्रिशूल आइडल। तो देखा आपने, हमने बिना किसी महंगे सामान के या बिना ग्लूगन को यूज़ किए कितना सुंदर त्रिशूल आइडल बना के रेडी किया है। तो अगर आप ये ऑनलाइन या मार्केट से परचेस करेंगे तो आपको ये बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन आपने कितनी आसानी से इसे घर में बनाना सीख लिया है। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मिले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।